Okay, dear student, we are going for a SNAP interview for the BPSC assistant engineer, and this is the SNAP for the EDC. Okay, आपका नाम नहीं लिखा है इस पे, क्या नाम है आपका? My name is Rahul Kumar. Okay, and our student is Rahul Kumar. Okay, Rahul, first of all, in the EDC, what is the difference between semiconductor, conductor, and insulator? Okay. डिफरेंस बिटवीन सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो है कि एक दूसरे पे ओवरलैप होता है, देर इज ए नो गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. बट इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर देर इज ए स्मॉल गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, और गैप लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है. ठीक है, जो इजिली मिनिमम एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन एक्सीट कर जाता है वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड और कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है. बट केस ऑफ इंसुलेटर इट विल बी लार्ज गैप, एनर्जी गैप. ओके, देयर इज वहां पे कंडक्शन नहीं हो पाता है. ठीक है, और कोई डिफरेंस है कंडक्टिविटी के रेफरेंस में, किसकी कंडक्टिविटी कम होती है, किसकी ज्यादा होगी? जो आपने बताया उससे कुछ समझ में आ रहा है, पर एक बार और आप बताएं कंडक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? कंडक्टिविटी मेटल की सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज मेटल में जो है कंडक्टर जो फ्लो होता है ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज के कारण. ठीक है, और इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर इट विल रिकम्बिनेशन प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स, बोल सकते हैं कि चार्ज कैरियर जो है कंट्रीब्यूट करता है करेंट को. तो मेटल में कंडक्टर मींस कंडक्टर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर देन सेमीकंडक्टर, देन इंसुलेटर. ओके ओके, यस यस. तो फिर हमें सेमीकंडक्टर की जरूरत क्या पड़ी? आप देख रहे हो ना, अभी अभी सब कुछ अपन सेमीकंडक्टर से ही बनाते हैं, डायोड, मॉसफेट, आगे जो भी डिवाइसेस बन रही है. तो सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर? सभी कंडक्टर से बनाओ, मेटल से बनाओ. ओके, आई थिंक सेमीकंडक्टर से जो बनाते हैं वो जनरली मेटल कंपेयर में कॉम्पैक्ट होता है. ठीक है, जैसे हमको पीसीबी डिजाइन करना है या फिर स्मॉल डिवाइस में लगाना है तो वो इजीली जो है कि कंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर के थ्रू बन जाता है, और ये कंफर्टेबल भी होता है और ये इजी टू यूज भी होता है उससे सेमीकंडक्टर से जो डिवाइस. मतलब केवल आपका आंसर ये है कि ये कॉम्पैक्ट होता है, इजी टू यूज होता है. अगर मैं ऐसा कोई मेटल, ऐसा कोई मेटल नहीं है जो सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में कॉम्पैक्ट हो, कोई ऐसा मत सपोज एक मेटल है ऐसा, है ना, या कोई ऐसा कंडक्टर है ना जो उससे ज्यादा कॉम्पैक्ट है. चले, तो फिर हम सेमीकंडक्टर को रिमूव करके उसका यूज कर सकते हैं कि कुछ और एडवांटेज भी है? और वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटेरियल का बना होता है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड. तो वहां तो मेटल से बनने की बात नहीं हो रहा है जहां तक मुझे पता है. छुपा हुआ है जो मैं आपसे आंसर पूछ रहा था ना कि रिक्वायरमेंट क्या है सेमीकंडक्टर की, वो रिक्वायरमेंट का आंसर एक आंसर इसमें है, उसके और भी आंसर है. एक आंसर इसमें भी है कि आप अगर लाइट इमिट करवा रहे हैं या आप फोटोडायोड, सोलर सेल कुछ इस तरह के बना रहे हैं तो उसमें आप मेटल से कर ही नहीं सकते उसे, उसके लिए आपको सेमीकंडक्टर की ही रिक्वायरमेंट होगी. वन ऑफ द आंसर ऑफ माय प्रीवियस क्वेश्चन. ओके, ठीक है, चले. अब इसी एलईडी पे बात हो रही थी तो एलईडी पे ही बात करते हैं. एलईडी किस तरह का डायोड है? एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, एक एलॉय होता है, एलॉय जनरली एलॉय होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को मिला के बनता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ मटेरियल के, जैसे कि थर्ड ग्रुप का मटेरियल होता है गैलियम और एक फिफ्थ ग्रुप का होता है आर्सेनाइड फॉस्फाइड. तो गैलियम आर्सेनाइड को जब हम मिक्स करके बनाते हैं और फिर जो है कि जब उसको कंडक्ट कराते हैं तो वो हीट नहीं इमिट करके लाइट इमिट करता है, और जैसे जैसे मटेरियल चेंज करेंगे वैसे वैसे कलर चेंज होगा एलईडी का. अच्छा, ठीक है, मतलब कि लाइट कलर ऑफ द एलईडी जो इमिट कर रहा है डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. ओके, हाँ ओके. अच्छा, तो हमारे जो घरों में रिमोट कंट्रोल होते हैं उसमें क्या एलईडी लगा रहता है, कुछ और रहता है? यस सर, एलईडी का यूज भी है, एलईडी का यूज एक रिमोट कंट्रोल भी है, उसके बाद डिजाइनिंग द ऑप्टो कपलर में भी एलईडी का यूज करते हैं. एंड उसमें तो मुझे कोई कलर ही नहीं दिखता है, जब मैं रिमोट के वो जलाता हूं तो उसमें तो मुझे कोई कलर ही नहीं दिखता है. अब वो इंफ्रारेड रिलीज करता है.
अच्छा, इंफ्रारेड रिलीज करता, मतलब एलईडी कलर के साथ साथ इंफ्रारेड भी रिलीज करता है ना? ये आप ही तो बोल रहे हैं कि उसमें इंफ्रारेड होता है, एलईडी है, इंफ्रारेड है, तो मतलब इंफ्रारेड भी रिलीज करता है। आई डोंट नो सर, इस बात को, इस लाइन को मैं अप्रूव नहीं कर सकता, इसको प्रूव नहीं कर सकता। चले अब दूसरी बात पे आते हैं। मैं एलईडी को सिलिकॉन से बना देता हूँ, जर्मेनियम से बना देता हूँ, तो काम होगा, बन सकते हैं? नो सर, सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में जो है कि हीट इमिट होता है, जबकि हम एलईडी के थ्रू लाइट इमिट करना चाहते हैं। अच्छा, एलईडी हीट होता है, ऐसा क्यों होता है कि सिलिकॉन में हीट होता है, मैं लाइट क्यों नहीं होता है, ऐसा कुछ रीजन है? कुछ रीजन सर, है जब जैसा कि हम जनरल डायोड की बात करते हैं तो एलईडी, अच्छा ये ठीक है, ओके सर मैं बताता हूँ इसका क्वेश्चन। एलईडी सिलिकॉन जर्मेनियम के केस में जो है कि हीट इमिट होता है, जबकि एलईडी केस में जो गैलियम आर्सेनाइड के बनाते हैं उसमें लाइट इमिट होता है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि जब हम एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ लेते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में और डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में, तो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन जर्मेनियम के केस से केस रहता है, और जब एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ लेते हैं तो हम जैसे ही सप्लाई करते हैं एक्सटर्नल बैटरी से, तो इलेक्ट्रॉन जो है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, ठीक है, और वापस जो है कि एनर्जी जब रेडिएट करता है तो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है। तो एक क्लियर ग्राफ के थ्रू हमको पता चलता है कि एनर्जी के एक्सेस पे तो चेंज दिखता है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में, और साथ साथ मोमेंटम के भी एक्सेस पे चेंज दिखता है। जब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम वाइब्रेट करता है तो इलेक्ट्रॉन जो है कि हीट लाइट नहीं इमिट करके हीट इमिट करता है, और डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में जो गैलियम आर्सेनाइड के केस में होता है उसमें जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो एनर्जी के एक्सेस पे तो चेंज दिखता है, ओके, लेकिन मोमेंटम में कोई चेंज नहीं दिखता है। ये भी एक बड़ा रीजन है कि लाइट इमिट करता है, ये इसका सही रीजन है। मोमेंटम भी चेंज होता है और ये इसमें और डायरेक्शन भी सेम रहता है, मोमेंटम भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अपन बात करें कि मोस्टली आपने डायोड सिलिकॉन के पढ़े होंगे, जर्मेनियम का क्यों नहीं करते हैं? व्हाई वी यूज द सिलिकॉन ज्यादातर? सिलिकॉन सिलिकॉन जो है कि लार्ज अमाउंट में मिलता है, इजी टू है ना, चीप भी होता है। ठीक है, इसको हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, ओके इस पॉइंट को हटा दो। अब बताओ ये पॉइंट तो ठीक है, ये तो वैलिड है, इसके अलावा और बताओ सिलिकॉन का क्या एडवांटेज है, क्यों हम यूज करते हैं? ये तो ठीक है, एक बच्चे को मैं जरा टाइम स्लॉट दे रहा हूँ, जब तक आप सोच के बताएं, जरा मैं उसको टाइम देता हूँ बच्चे को, है ना? ओके सर, बताए जब तक। हेलो सुनीता, हेलो सुनीता, एम आई ऑडिबल? हेलो सुनीता, एम आई ऑडिबल? आपको अगर मैं ऑडिबल हूं तो 10 बजे आ जाइए, अभी एक ऑलरेडी एक बच्चे का चल रहा है, ओके, कम एट 10 PM, ओके ओके। हाँ बता सर, मैं ट्राई कर सकता हूँ, बट आई डोंट नो कि एग्जैक्ट आंसर है कि नहीं। आइडियलिटी फैक्टर का अगर देखते हैं तो जर्मेनियम का जो 1 होता है सिलिकॉन का 2 होता है, तो मे बी वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि बेस्ट। अच्छा हमेशा, अच्छा जब आपने बोले ही है तो हमेशा 2 होता है क्या, कि कभी चेंज होता है? इसके में ही बताएं, आपका इंटरव्यू आपके हिसाब से ही चलता है मोस्टली, मैंने ऐसा देखा है ना, मुझे काफी लास्ट ऑलमोस्ट 12-13 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा ना, खुद मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हुए हैं, वेल का, गेल का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो मैं आपको बताऊं कि आप जिस तरह से बोलते जाते हैं ना, तो उसके हिसाब से वो आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं, और आपका इंटरव्यू, आप जो बोल रहे हैं उसमें कुछ ऐसा पॉइंट लगा उन्हें कि पूछना चाहिए, है ना? जैसे अभी आपने बोला फैक्टर 2 होता है, तो क्या हमेशा 2 होता है? क्योंकि आप कोई चीज बोल रहे हैं तो उसके अगर आप साथ में कंडीशन भी बोले कि सर ये चीज इस कंडीशन में ऐसी है वैसी है, तो उन्हें लगेगा कि यू हैव द सफिशियंट नॉलेज अबाउट। ओके सर, ये ऑलवेज 2 की अगर बात करें तो जहां तक डायोड का केस है, डायोड का करंट अगर हम देखना चाहते हैं तो I=I0e के पावर वोल्टेज, डायोड वोल्टेज बटा ईटा वीटी होता है -1। तो इस केस में, डायोड के केस में तो हम लिखते हैं कि जर्मेनियम 1 देंगे और सिलिकॉन के लिए 2, लेकिन और अदर केस में मे भी चेंज हो सकता है, है ना? लेकिन इस केस में जो है कि जर्मेनियम 1 और सिलिकॉन 2 लेते, अगर अदर केस में मे भी, लेकिन मैं ऐसा अभी कहीं पढ़ा नहीं। लो करंट और हाई करंट की बात होती है, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, ध्यान नहीं दिया है ना, लो करंट और हाई करंट पे होता है, उस पे वैल्यू अलग अलग होती जाती है। चले, और सिलिकॉन के कोई आइडिया नहीं है आपको? लो करंट हाई करंट पे वैल्यू चेंज होता है।
हाँ लो ग्रहण, ठीक है। हाँ अब मैं बात करूं, चले इसको छोड़ देते हैं। अगर मैं एफईटी की बात करूं तो पहले बताओ कि एफईटी बेटर है कि बीजेटी बेटर है, या किस किस कंडीशन में कौन कौन बेटर है? ओके सर, एफईटी अगर एक नजर में अगर हम बोलना चाहें तो एफईटी इज बेटर देन बीजेटी, ठीक है। बट पावर डिसिपेशन एफईटी बीजेटी इज फास्टर देन एफईटी, ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीजेटी में पावर डिसिपेशन ज्यादा होता है, जिसको हम हमेशा चाहते हैं कि मिनिमम हो पावर डिसिपेशन। और कोई और तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बीजेटी में जो है कि मेजोरिटी कैरियर और माइनोरिटी कैरियर बोथ आर कंट्रीब्यूट टू करेंट इन बीजेटी, बट एफईटी में ओनली मेजोरिटी कैरियर कंट्रीब्यूट करता है करेंट को। तो ये हो सकता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि मेजोरिटी कैरियर इज बेस्ट होता है, और इस कंपेयर में मेजोरिटी कैरियर के सेंस में ले तो एफईटी बेस्ट होता है। और एक अगर सीधा अगर एक लाइन में बोलना चाहे तो एफईटी इज बेटर देन बीजेटी। एफईटी इज बेटर, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं इनपुट रेजिस्टेंस को, किसका इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा हो? अच्छा, इनपुट रेजिस्टेंस एफईटी का ज्यादा होता है और बीजेटी का इनपुट लो होता है, आउटपुट ज्यादा होता है। अच्छा इनपुट, हाँ। अच्छा रेजिस्टेंस सर आप पूछ रहे हैं, हम इम्पीडेंस बता दें सर। इनपुट इम्पीडेंस रेजिस्टेंस एक ही बात है, इनपुट इम्पीडेंस रेजिस्टेंस में कोई अंतर है क्या? अच्छा, आप बताएं है ना। तो अपन ने नेटवर्क, अच्छा आपने नेटवर्क पढ़ रखा है, अभी आपने फिर तो पढ़ रखा को दिया है, बट उसको इम्पीडेंस रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, तीनों में डिफरेंस बताएं। इम्पीडेंस रेजिस्टेंस, हाँ, रेजिस्टेंस जो होता है कि रेजिस्टेंस के बारे में बोल सकते हैं किसी भी चीज को, एक्चुअली रेजिस्टेंस जो है रेजिस्ट करता है, जैसा नाम है वैसा उसका काम है, रेजिस्ट करता है ना एनर्जी को। अगर रेजिस्टेंस के बात करें तो पूरा अगर हम समझना चाहें तो व्हेन गिव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन रेजिस्टेंस, ठीक है तो मैं समझ गया आपको उसको रजिस्ट करना है। क्या नाम, क्या आप एक बार फिर से बता रहे प्लीज, मैं नाम भूल गया। माय नेम इज राहुल कुमार। राहुल, राहुल देखो मेरा मानना है कि इंटरव्यू में इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, है ना। अगर आप कुछ आंसर भूल रहे हो, मतलब ऐसा नहीं, अगर आ रहा है तो देना ही है, ऐसा नहीं है कि मेरे को जानबूझ के नहीं दे रहा है, बट अगर आपको किसी आंसर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में वो आपकी नॉलेज ज्यादा चेक नहीं कर रहे, वो चेक कर रहे हैं कि आप वो पर्सनैलिटी हो कि आपको पोस्ट पे बिठाया जाए कि नहीं बिठाया जाए, है ना। नॉलेज चेक तो कर ली उन्होंने, तभी तो आप रिटर्न क्वालिफाई करके बैठे हो इंटरव्यू में। यस सर, यस। बट इंटरव्यू में ये जरूर चेक कर लेते हैं वो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो वो नेगेटिव इंपैक्ट जरूर क्रिएट कर देता है ना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं आए, वैसे मैं मानता हूं कि कोई बात नहीं, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है या एवरेज क्वेश्चन भी उसका आंसर नहीं बन रहा है तो इतना नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता है। जैसे ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, ठीक है ना। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो आर, जब रेजिस्टेंस प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो केवल आर आएगा, प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव है, केवल इंडक्टिव है मतलब हमारे आपके सर्किट में केवल इंडक्टर लगा है, केवल कैपेसिटर लगा है ना। तो उसमें क्या रिएक्टेंस, एक्सएल और एक्ससी पढ़ा है आपने? यस सर, एक्सएल और एक्ससी दो चीजें होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो रिएक्टेंस है। अब आपके सर्किट में आर है, एल है, सी है, सभी है, ठीक है। तो आप इम्पीडेंस को कैसे लिखते हो, जेड को आर प्लस माइनस एक्स एल या आर प्लस माइनस एक्स सी, या दोनों है तो आर एक्स एल एक्स सी, सभी के कॉम्बिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये इम्पीडेंस होगा। इम्पीडेंस क्या था सर, एक बार फिर से बताइएगा। सबसे पहले रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, केवल रजिस्टर है, प्योर रजिस्टिव सर्किट है, ठीक है। फिर प्योर इंडक्टर या कैपेसिटर सर्किट है, केवल इंडक्टर लगाया या कैपेसिटर लगाया तो क्या रिएक्टेंस हो गया। रिएक्टेंस क्या है, एक्सएल एक्ससी, कब एक्ससी, व्हेन व्हेन सर्किट हैज प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर। ओके, व्हेन वी हैव द प्योर इंडक्टिव, मतलब केवल एल है या केवल सी है या दोनों है। ओके ओके, ठीक है। और जब सर्किट में तीनों है, आर एल सी, या R और L हो या R और C हो या तीनों हो, ठीक है ना, तब हमारा इम्पीडेंस आता है। कुल मिला के रेजिस्टेंस को ही इम्पीडेंस बोलते हैं, नया टर्म है, क्योंकि R प्लस, ये हमको लग रहा था,
ठीक है, चलो कोई नहीं, ओके ओके राहुल, आपका टाइम हो गया है ना, मैंने काफी ये है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आई गिव योर फीडबैक, आप अपना फीडबैक दें कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा। इंटरव्यू अभी अभी वाला अभी का ना, हाँ, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सही रहा मेरे तरफ से। और मुझे ऐसा जैसे आपने बोला कि जरूरत नहीं है कि जो आपको थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन लगता है तो उसको इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं, आप सॉरी बोल के निकल सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो दें, और नहीं आता है तो आप सॉरी बोल सकते हैं, वो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बेसिक चीज है तो उस पर प्रिपरेशन कर लें। बिल्कुल। तो एक्चुअली सर, एक लॉन्ग टाइम से मेरा छूट गया है, तो हर सब्जेक्ट में एक बार थोड़ा सा एक बार देखना जरूरी है। और नेटवर्क ऐसे भी हम थोड़ा भागते रहे हैं, नेटवर्क कंट्रोल नेटवर्क थोड़ा सा टफ है। नेटवर्क एक्चुअली में क्या है, बच्चों को टफ लगता है, वो करंट कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या एक्चुअली हो रहा सर है। जब पढ़ता था तो ऐसा नहीं है कि टफ लगता था, लेकिन एक लॉन्ग टाइम से छूट गया, पहले से भी थोड़ा सा आदमी भागता था, और आपके पास ऑप्शन मिल गया कि आप क्या पढ़ाएं, तो फिर और भी निकल गए वहां से। अभी आप क्या करते हैं? अभी सर हम एक्चुअली जो है 2017 से 2021 तक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिहार में ही टीचिंग कर रहा था, और इसका फॉर्म फिल करने के बाद मुझे लगा कि कुछ टाइम चाहिए और, तो मैं उसको जॉब को छोड़ के, गेस्ट फैकल्टी का जॉब था वो छोड़ के और प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल आपने मैं वो कोई वर्किंग और नहीं। ओके यूपी पॉलिटेक्निक का, हरियाणा पॉलिटेक्निक का ये पेपर नहीं दिए थे क्या? वहां पे यूपी वाला दिया था सर, नहीं ठीक हुआ। है, नहीं वहां नहीं हुआ, यूपी वाला दिया था, ओके 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 ठीक हरियाणा है वाला ठीक। नहीं पता, भरे भी नहीं। हरियाणा, अच्छा, अभी हरियाणा का भी चल रहा है पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, वो भी परमानेंट वाला, अच्छा है वो भी, है ना। फॉर्म ये मतलब भरने का डेट है क्या अभी? नहीं, वो निकल गया, वो तो अभी इंटरव्यू अच्छा चल अच्छा रहा है। ओके ओके ठीक ठीक है है, चले। ओके ओके राहुल, मेरे तरफ से आपका फीडबैक है कि आपका टेक्निकल अच्छा है, ठीक है, बट ओके अभी सर। आपको हाँ क्या है, ऊपरी लेवल पर, जैसे मैं क्या मानता हूँ कि हर एक टेक्निकल क्वेश्चंस के चार लेवल है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक लेवल है कि यू नो द कंसेप्ट, थोड़ा बहुत जानते हो उसके बारे में कि हाँ ये थोड़ा चीजें बहुत ऐसी जानते ऐसी हैं है सर, ना। दूसरा यस सर। होता है कि आप उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हो बट ज्यादा डीप में नहीं जानते। तो अभी आपका सेकेंड स्टेज है, आप उसके बारे में अच्छा बेसिक भी जानते हो, थोड़ा सा और जानते हो, बट थर्ड और फोर्थ स्टेज मतलब बहुत ज्यादा डीप, और फोर्थ स्टेज यू नो द मैक्सिमम थिंग्स अबाउट द कंसेप्ट। तो अभी यू आर एट द ओके ओके सेकंड लेवल, आप अभी सेकंड लेवल पर हो, ठीक है, चीजों को आप जानते हो और थोड़े बहुत उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो, मेरा मानना है टेक्निकल के केस में, है ना। आपका ओके इंटरव्यू डेट कब है बता रहा हूँ, मेरा 11 अक्टूबर को है, 11th of October है, मींस एटलीस्ट वी हैव 15 days, 15 दिन मान लेते हैं 15 लगभग, डेज लगभग, यस है यस ना। तो अभी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा राहुल, जैसे कि आप वर्किंग नहीं हो तो बहुत बढ़िया बात है ये, अभी अपने पास टाइम भी है तो रात दिन लेके लग जाओ, बढ़िया, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है ये, आपको पता भी है ना, यस आपने जितना मेहनत किया उसका पूरा फल एक साथ मिलेगा आपको, ठीक है। तो यस इसके लिए अच्छी यस तरह से लग जाओ और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका टेक्निकल है ना है थोड़ा बहुत कम है, पर आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव है ना, आपके बोलने से एक पॉजिटिवनेस दिख रही है, फेशियल एक्सप्रेशन से ये लग रहा है, जैसे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उस कंडीशन को कैसे हैंडल कर रहे हो वो आपके फेस से पॉजिटिव दिख रहा है कि कोई बात नहीं है, ठीक है, हैंडल कर पा रहे हो आप, कैसा आपके फेस से दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है पहली बात, है ना। आपका बोलने का तरीका ठीक है, उसमें कॉन्फिडेंस लगता है, क्योंकि इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस, कितने कूल हो आप, है ना। कुछ बच्चे होते हैं ना, नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं, वो आपके वजह से नहीं लग रहा है, एक जैसा होता है ना, एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके चेहरे से दिखता है, बातों से दिखता है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, ईमानदार, ईमानदार होने उनका मतलब है इंटरव्यू में कि आप जो बोल रहे हो लगभग लगभग, या तो आपने झूठ की इतनी प्रैक्टिस कर ली हो कि वो सही बन जाए, या फिर लगभग सब सच्ची बोलो, ठीक है ना, क्योंकि सामने जो बैठा है उसे सालों का एक्सपीरियंस है, वो आपके, कुछ बच्चे होते होते नहीं सर ऐसा ही होता है इंटरव्यू में, या ऐसा ही होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो नहीं है, आप नहीं आ रहा है सॉरी बोलो पोलाइटली, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं दिखना चाहिए आपके उसमें, पोलाइटनेस दिखना चाहिए, ठीक है, वो सब आप में दिख रहा है, इसको भी मैनेज करें, ठीक है। ओके राहुल, कुछ पूछना चाहते हैं? सर मैं